डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। देश में अब हवा खराब होने लगी है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ आंखों में जलन की भी शिकायत सामने आ रही है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण के चलते ये परेशानियां होना आम बात है। ऐसा तब होता है जब कम तापमान और कोहरा मिलकर वातावरण में कंबल की तरह प्रदूषण की एक परत तैयार करते हैं। इस परत पर धूल कण इकट्ठे हो जाते हैं और वापस वातावरण में घूमते रहते हैं। आज हम आपको प्रदूषण से बचाने वाले पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप घर में भी लगा सकते हैं। एरेका पाम। एरेका पाम एक ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। हर व्यक्ति के लिए इस तरह के पौधे की जरूरत होती है जिसकी ऊंचाई कंधे के बराबर होनी चाहिए। इस पौधे की देखभाल के लिए पत्तियों को हर रोज साफ करना जरूरी है। इसके अलावा हर 3-4 महीने में इनको बाहर रखने की भी जरूरत पड़ती है। हवा को फिल्टर कर उसे शुद्ध बनाने में ये पौधा सहायक है। नम मिट्टी का प्रयोग करें और सतह के थोड़े नीचे मिट्टी के सूखते ही पौधों को पानी दें। मनी प्लांट। मनी प्लांट एक बेल है। इसकी पत्ती का आकार 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये पौधा अधिकतर भारतीय घरों में आसानी से मिल जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह पौधा बहुत कम रोशनी में भी जिंदा रह सकता है और इसे किसी खाली बोतल में भी उगाया जा सकता है। इस पौधे में वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता होती है और यह ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। मनी प्लांट में CO2 कम कर हमारे सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देता है। एलोवेरा। एलोवेरा में कई सारे औषधीय गुण होते हैं। इस पौधे को उगाने के लिए पानी की जरूरत भी बेहद कम होती है। इसके पत्ते काफी मोटे और मजबूत होते हैं। पत्ते के अंदरूनी भाग को काटने पर एक तरह का रस निकलता है। इस रस का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी होता है। इसके अलावा खास बात यह है कि इस पौधे को आसानी से घर में आप लगा सकते हैं, जो हवा को शुद्ध रखता है। स्नेक प्लांट। इसे हिंदी में नाग पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे को बढ़ने के लिए बहुत कम धूप की जरूरत होती है। इसके अलावा पानी की भी जरूरत इससे ज्यादा नहीं होती। हवा को फिल्टर करने के लिए इस पौधे को आप आसानी से अपने कमरे या ऑफिस कैबिन में एक कोने में उगा सकते हैं। पाइन प्लांट। घर की हवा को शुद्ध बनाने के लिए देवदार का पौधा काफी मशहूर है। इस पौधे की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय समय पर इसकी काट छांट करने की जरूरत जरूर होती है। पीस लिली। पीस लिली घरों में प्रयोग होने वाला एक आम पौधा है जो हर तरह की हानिकारक गैसों को खत्म करता है। यह धूल को भी समाप्त करता है और घर की हवा को शुद्ध रखता है। इंग्लिश आइवरी। कम रोशनी वाली जगहों पर भी यह पौधा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वातावरण में मौजूद सभी जहरीली गैसों को खत्म कर यह पौधा शुद्ध हवा देने में हमारी मदद करता है। मदन लॉ टंग। ये एक ऐसा पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में फलता फूलता है, जो काफी मजबूत होता है। खास बात यह है कि यह रात में ऑक्सीजन तो छोड़ता ही है, बल्कि कई अन्य तरह के हानिकारक गैसों को भी खत्म करता है। इस पौधे की ऊंचाई कमर की जितनी होनी चाहिए। इसे सूर्य की अप्रत्यक्ष रोशनी में रखें और ज्यादा पानी ना दें। आइए अब जानते हैं कि प्रदूषित वातावरण में आपको क्या करना चाहिए। AQI इंडेक्स 150 से ज्यादा होने पर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज, क्रिकेट, हॉकी, साइकिलिंग, मैराथन से परहेज करें। प्रदूषण स्तर के 200 ज्यादा होने पर पार्क में भी दौड़ने और टहलने ना जाएं। जब प्रदूषण स्तर 300 से ज्यादा हो तो लंबी दूरी की वॉक ना करें। जब 400 के पार हो तो घर के अंदर रहें। सामान्य वॉक भी ना करें, घर के भीतर रहें। प्रदूषण स्तर 1000 होने पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं। इस स्तर पर बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। अपने घर और आसपास के जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये हवा को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, जिससे आप ताजी हवा में सांस ले पाएंगे। अमर उजाला.com